रिया के माता पिता को आज भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। सुशांत के रिश्तों से लेकर पैसों के लेन देन पर सवाल। सुशांत केस में एनसीबी को मिली कामयाबी। मुंबई के बांद्रा से ड्रग पेडलर जैद गिरफ्तार। दूसरा पेडलर बसंत परिहार हिरासत में। दोनों ड्रग पेडलर से पूछताछ में खुलासा। शौविक खुद भी यूज करता था ड्रग्स। शौविक ने सैमुअल मिरांडा से कहा था जैद को 10 लाख दे देना। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने रिया के दोस्त ऋषभ ठक्कर से कल 8 घंटे की पूछताछ। रिया और ऋषभ के बीच ड्रग्स को लेकर हुई थी चैट। स्नूकर और बिलियर्ड के नेशनल लेवल चैंपियन है ऋषभ ठक्कर। जुहू में रहने वाले ठक्कर चैटिंग में डूबीज और कॉन्ट्राबैंड की कर रहे थे डील। सुशांत मामले में आज तक को लगी बड़ी जानकारी। अब तक जांच में नहीं मिले हैं बॉलीवुड स्टार की हत्या के सबूत। सुशांत को सुसाइड नुकसान के एंगल से जांच कर रही है सीबीआई। रिया चक्रवर्ती पर है आरोप। रिया के माता पिता से सीबीआई ने पहली बार की पूछताछ। 8 घंटे सुशांत और रिया के रिश्तों पर सवाल। लिव इन रिलेशन और सुशांत के साथ झगड़ों को लेकर सीबीआई ने पूछे सवाल। मां संध्या से पूछा क्या रिश्ते से निकलना चाहता था सुशांत। पैसों के लेन देन पर सीबीआई ने दागे सवाल। पूछा सुशांत और रिया की फर्म के लिए क्यों दिया अपना पता। रिया से मंगलवार को नहीं हुई पूछताछ। 4 दिन में 35 घंटे हो चुकी है पूछताछ। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई ने 6ठी बार की पूछताछ। ड्रग्स को लेकर आए चैट में शौविक का नाम। श्वेता ने नागालैंड के सीएम का लेटर किया ट्वीट। सुशांत की दरियादिली का है ये सबूत। सीएम रिलीफ फंड में सुशांत ने दिए थे 1.25 करोड़। सुशांत का नया वीडियो आया सामने। पिता से बहुत कुछ सीखने की कर रहे हैं बात। रिया का दावा सुशांत के रिश्ते पिता से अच्छे नहीं थे। मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी अपने डैड से जो एकदम से मेरे दिमाग में आती है। ऑल्दो मैं बहुत ही प्रिसाइसली आंसर दूंगा, बहुत कुछ मैंने अपनी मदर से सीखा है, लेकिन बहुत कुछ सीख सकते हैं ये अपने पापा से सीखा है। अमेरिका में चल रही है सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई। बहन श्वेता ने ट्वीट किया बिलबोर्ड का वीडियो। कंगना रनौत मुंबई पुलिस पर उठाई उंगली। कहा सुशांत के हत्यारों के खिलाफ बोलने वालों को मिल रही है धमकियां। देश की जीडीपी को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला। प्रियंका गांधी का ट्वीट बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था को डुबा दिया। मोदी सरकार पर राहुल गांधी लगाया देश के भविष्य को बर्बाद करने का आरोप। कहा नारे नहीं नौकरी दें। 14 सितंबर में शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया नोटिफिकेशन। चीन से तनातनी के बीच आज फिर होगी ब्रिगेडियर स्तर की वार्ता। भारत नेपाल और भारत भूटान बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को किया गया अलर्ट। एलएसी पर लगातार 3रे दिन चीन की गुस्ताखी को करारा जवाब। चुमार में घुसपैठ की कोशिश। हिंदुस्तानी जवानों को देख भागी चीनी सेना। एलएसी पर जारी है चीन की साजिश। चीन के जवानों ने फिर की घुसपैठ की कोशिश। भारतीय जवानों ने पीछे खदेड़ा। काला टॉप और हेलमेट टॉप इलाके में चीनी फौज ने की घुसपैठ की कोशिश। अंधेरे का फायदा उठाकर आगे बढ़ रहे थे पीएलए के जवान। चीन ने काला टॉप पर जासूसी के लिए लगाए थे कैमरे। भारतीय सेना ने नष्ट किया कैमरे और सर्विलांस सिस्टम। एलएसी के हालात को लेकर रक्षा मंत्री की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग। विदेश मंत्री एनएसए सीडीएस और सेना के अफसर रहे मौजूद। चीन मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। चीन के हर चाल पर कड़ी निगरानी। एलएसी पर तनाव के मद्देनजर सीमावर्ती गांव को खाली कराया गया। सेना ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा। चीन की एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन परमाणु शस्त्रागार में बड़े इजाफे की बना रहा है योजना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को रवाना हुए। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीट पे लेंगे हिस्सा। 3 दिवसीय है दौरा। रामेश्वरम में पूजा स्थल खुले पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू। मुरादाबाद में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं शुरू। मार्च में कोरोना के चलते किया गया था रद्द। तमिलनाडु के मदुरई में खुले मंदिर सरकार ने दी इजाजत। नैनीताल में होटल वालों को फिर कारोबार शुरू होने की उम्मीद। कुछ पर्यटकों की आवाजाही हुई शुरू। अनलॉक 4 में अब ट्रेनें चलाने को तैयार है रेलवे। फिलहाल चल रही है 230 स्पेशल ट्रेन। महाराष्ट्र के भंडारा में सैलाब का कहर। एक मजदूर परिवार पर आई अलग तरह की मुसीबत। बाढ़ में भीग गई बेटी की शादी के लिए जुटाई गई रकम। अगले महीने होनी है मजदूर की बेटी की शादी। रुपए भीगने पर बड़ा संकट। बचे रुपयों को सड़क पर पत्थर रखकर सुखाने को मजबूर। महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिले में 62 गांव सैलाब की चपेट में। 18,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। यूपी के आजमगढ़ में टूटा सैलाब का कहर। घाघरा नदी पर बना रिंग बांध टूटा। छत्तीसगढ़ के जसपुर में नदी पर पुल और गांव में सड़क नहीं होने से बीमारों को अस्पताल पहुंचाना मुहाल। गर्भवती महिला को डोली में लादकर लाया गया अस्पताल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सेल्फी ने ली 2 युवकों की जान। पैर फिसलने से 400 फीट गहरी खाई में गिरे युवक मौके पर मौत। नोएडा में जेपी कॉस्मोस सोसाइटी में 10वीं मंजिल से कूदकर एक महिला ने की खुदकुशी। पति से केक काटने को लेकर हुई बहस। नोएडा में सेक्टर 39 में महिला ने आग लगाकर किया आत्मदाह। पुलिस के मुताबिक पति से हुआ था विवाद। मथुरा जेल में रिहा किए गए डॉक्टर कफील खान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश। देर तक रहा डॉक्टर कफील की रिहाई पर असमंजस। अलीगढ़ जिला प्रशासन से रिहाई संबंधी ऑर्डर। मथुरा जेल को देर से मिल सका।
यूपी में बढ़ते मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्य सचिव को रोड मैप तैयार करने के निर्देश। कोरोना संकट पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, बिना लॉकडाउन के कोई मदद नहीं मिलने वाली। कोरोना काल में यूपी में हुक्का बार पर प्रतिबंध, हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के बाद रेस्टोरेंट कैफे में हुक्का बार पर लगाई रोक। लखनऊ के एक छात्र की याचिका पर हाईकोर्ट ने हुक्का बार पर प्रतिबंध का दिया फैसला, तेजी से संक्रमण फैलने का दिया हवाला। संक्रमण की वजह से गया में इस साल नहीं लगेगी पितृपक्ष मेला, पंडा समाज में दिखी बेचैनी, कहा पहले कभी नहीं देखी ऐसी त्रासदी। देश में जारी है कोरोना का कहर, 24 घंटे में सामने आए 70,000 नए मामले, 36,91,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना से 819 की गई जान, देश में अब तक कोरोना के 65,288 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए मामले, 7,92,000 के पार पहुंची मरीजों की कुल संख्या। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,700 से ज्यादा नए मामले, 2,30,000 के पार पहुंचे कुल मामले। दिल्ली में 24 घंटे में 1,300 से ज्यादा नए मामले, 1,74,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में करीब 3,000 नए मामले, 1,62,000 से ज्यादा हुई संक्रमितों की संख्या। बिहार में 1,400 से ज्यादा नए मरीज, 1,36,000 से ज्यादा हुआ कुल आंकड़ा। अनलॉक 4 में दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हटाई गई चेकिंग, दिल्ली आने या दिल्ली से जाने के लिए नहीं होगी किसी पास की दरकार। गोवा में आज से खुल गए रेस्टोरेंट बार, शर्तों के साथ लोगों को आने की इजाजत। चेन्नई में अनलॉक 4 लागू होते खुल गए मॉल, 13,000 से ज्यादा लोगों को आने की नहीं है इजाजत। इंदौर में कोरोना का कहर, 1 सितंबर को 243 कोरोना के नए मरीज आए सामने। 1 सितंबर को इंदौर में 2,975 लोगों का सैंपल टेस्ट हुआ, 2,692 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। इंदौर में 13,493 लोग पॉजिटिव, इनमें से 402 लोगों की जा चुकी है जान। उड़ीसा के कोरापुट में तालाब में मिला 3 लड़कियों का शव, तीनों लड़कियां थी लापता। लखनऊ में 3 कुत्तों को जलाकर मार डालने की सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल, FIR दर्ज कर तफ्तीश में जुटी पुलिस। जबलपुर में महंगी कार में लगी आग, एक शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। कुल्लू में 3 मंजिला लकड़ी की इमारत में लगी आग, भारी नुकसान की खबर। पालघर में 4 मंजिला इमारत गिरी, पुलिस और फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू अभियान जारी। पिथौरागढ़ में ITBP के जवानों ने पेश की इंसानियत की मिसाल, स्ट्रेचर पर 25 किलोमीटर तक उठाकर युवक के शव को परिजनों को किया सुपुर्द। कानपुर की जेल में बंद जय वाजपेयी के घर पुलिस ने कराई बुनियादी, गैंगस्टर विकास दुबे का साथ देने के आरोप में 3 भाइयों की तलाश जारी। दिल्ली के रनौला में लापरवाही ने छीनी युवक की जिंदगी, चलते ट्रैक्टर पर चढ़ने की कोशिश में हुई मौत, CCTV में कैद हुआ हादसा। तेजी से चलते ट्रैक्टर के साथ दौड़ते युवक ने उस पर चढ़ने की कोशिश की, पैर फिसलने पर गिरने से युवक की मौके पर मौत। बिहार के किशनगंज में पुलिस ने कुख्यात अपराधी गब्बर को 2 साथियों के साथ किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। पटना के कंकड़बाग इलाके में पेट्रोल पंप कर्मचारी से 8,00,000 की लूट, छानबीन में जुटी पुलिस। पंजाब में दलित छात्र वृत्ति में करोड़ों का घोटाला, केंद्र सरकार ने जांच का दिया आदेश। यूपी के बुलंदशहर में छेड़खानी के बाद एक 14 साल की नाबालिग छात्रा की खुदकुशी, गांव के ही 3 लड़कों पर छेड़खानी और उसका वीडियो बनाने का आरोप। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में 36 साल की महिला का शव फ्लैट में पंखे से झूलता पाया गया, परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। प्रयागराज में जिम ट्रेनर से जिम में हुई मारपीट, एक महिला और उसके भाई ने पीटा, CCTV में कैद हुई वारदात। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गिरफ्त में आया हथियारों का तस्कर, भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त। फरीदाबाद के ओयो होटल में अवैध कसीनो पर छापा, पुलिस ने 2 लड़कियों समेत 12 को किया गिरफ्तार। हैदराबाद में IMS डायरेक्टर देविका रानी और नाग लक्ष्मी के ठिकाने से 4,37,00,000 रुपए बरामद, हिसाब नहीं दे पाने से सारी रकम सीज। बाड़मेर के SP भीम सिंह भाटी को रिटायरमेंट पर महकमे और लोगों ने दी अनोखी दवाई, रक्तदान शिविर का किया आयोजन। इंदौर में नगर निगम ने सड़क पर घूमती गाय को पकड़ा, युवक पिता को पीठ पर लादकर दफ्तर पहुंचा, गाय के दूध से आजीविका चलाने का दिया हवाला। ग्वालियर पुलिस ने हथियारों के एक तस्कर को दबोचा, 15 पिस्टल और ब्राउन शुगर बरामद। तेलंगाना के खम्भम में एक पार्षद के यहाँ काम करने वाले कर्मचारी की मौत पर हंगामा, भीड़ ने पार्षद की गाड़ी में लगाई आग। जलंधर में लुटेरों से भिड़ गई मासूम लड़की, बाइक पर भागते 2 लुटेरों में से एक को दौड़ाकर पकड़ा, बाइक से नीचे गिरा ट्यूशन के लिए जा रही लड़की का मोबाइल, छपटकर भागे बदमाश, लड़की की दिलेरी से लुटेरे को पकड़ा गया। दिल्ली में गांजा तस्करी का खुलासा, 3.5 किलो बड सीज की गई। मेरठ में खुले गटर में गिरा घोड़ा, पुलिस और स्थानीय निवासियों ने बड़ी मुश्किल से किया रेस्क्यू। गोरखपुर के वन विभाग की टीम ने एक्वेरियम की दुकानों पर की छापेमारी, प्रतिबंधित कछुए किए बरामद। अम्बाला एयरबेस के 10 किलोमीटर के दायरे में कबूतर उड़ाने पर प्रतिबंध, एयर मार्शल ने चीफ सेक्रेटरी को लिखे एक खत में राफाल जैसे पक्षी चीज से खतरे की आशंका जताई। औरंगाबाद में 2 पक्षों के बीच झड़प के बाद बढ़ा तनाव,
जी नीट परीक्षा का दूसरा दिन सेंटर को किया जा रहा है सैनिटाइज। उड़ीसा के गंजम में दमकल कर्मियों ने एक बंदर को किया रेस्क्यू। उड़ीसा से बादलपुर नौसाही हल्दीपाड़ा में सैलाब का संकट, रेस्क्यू टीम ने 62 को किया रेस्क्यू। फरीदाबाद में पति पत्नी को पड़ोसियों ने बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। मथुरा में दुकान खोलने के विवाद में जमकर हुआ पथराव, आधा दर्जन लोग घायल। फतेहपुर में हथियार के साथ सेल्फी के चक्कर में युवक को लगी गोली, हालत गंभीर। पटना में बीएमपी कैंप में 5 राउंड गोली चलने से हड़कंप, गोरखा बटालियन की एक महिला कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल की मौत। सीआईएसएफ हमले, बेल्जियम नस्ल के कुत्ते, दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में होगी तैनाती। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।